तो जैसे कि अभी आप लोग देख ही सकते होंगे कि आपके सामने है न्यू जनरेशन वाला बुलेट 350 और ये वाला जो बाइक है ना, तो इसको ही लेके आगे हम लोग इसी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि जो न्यू बुलेट 350 है तो इसके अंदर हमें क्या कुछ न्यू देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकुर कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकुर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो हाल फिलहाल में भाई अभी एक न्यू बाइक का वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है और ये जो वीडियो है ना, तो ये बुलेट गुरु की तरफ से भी आया है और ये जो वीडियो के अंदर जिस बाइक को भी आप लोग देख रहे हो ना, तो ये है बुलेट का ही न्यू जनरेशन वाला मॉडल, मतलब कि न्यू जनरेशन वाला रॉयल एनफील्ड बुलेट 350। बाकी तो ये वाला जो मॉडल है ना, तो इसको लेके अभी बोला कुछ ऐसा ही जा रहा है कि इसी बाइक के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है इस बार एक न्यू इंजिन जो की पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होने वाला है। मतलब की ये वाला जो इंजिन है ना, तो ये एक 350cc वाला सिंगल सिलेंडर एयर कूल प्लस ऑयल कूल वाला एक इंजन होने वाला है जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करने वाला है 20.2 bhp और ये वाला जो इंजन मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला है जो तो वो है 27 nm। बाकी तो इसी बाइक के अंदर आपको 5th स्पीड का गियर बॉक्स के ही साथ-साथ अभी कुछ ऐसा भी बोला जा रहा है कि ये वाला जो इंजन है ना, मतलब ये जो न्यू इंजन है बुलेट 350 के अंदर, तो ये काफी ज्यादा एक रिफाइंड वाला इंजन होने वाला है पहले के बुलेट 350 के मुकाबले। मतलब कि इस बार जो इसके अंदर वाइब्रेशन आपको जो देखने को मिलेगा, तो वो पहले के बुलेट 350 के मुकाबले काफी ज्यादा कम देखने को मिलने वाला है। और बाकी तो अभी ये वाला जो वेरिएंट हमारे सामने जो आया है ना, तो वो है स्पोक वाला व्हील्स के साथ, जैसे कि देख ही सकते होंगे। और इसके अलावा इसी बाइक के अंदर भी आपको जो ये सस्पेंशन सेटअप जो देखने को मिलेगा, तो वो है इस बाइक में सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे वही कॉइल वाला जो हाइड्रोलिक शॉक्स है, तो वही। और इसके अलावा इसी बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा इस बार जो कुशनिंग सीट में, तो वो बहुत ही ज्यादा बेहतर होने वाला है पहले के बुलेट 350 के मुकाबले। और जैसे कि देख ही सकते होंगे कि इस वाले बुलेट के अंदर आपको देखने को मिलता है जो लाइट्स का सेटअप, तो वो पहले की तरह ही हैलोजन बल्ब के ही अंदर अंदर होने वाला है। और इसके अलावा इस वाले बुलेट के अंदर आपको जो मीटर कंसोल देखने को मिलेगा ना, तो वो अभी कुछ बताया ऐसा ही जा रहा है कि एक अपडेटेड वाला मीटर कंसोल देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको रॉयल एनफील्ड का कनेक्टिविटी वाला सिस्टम भी देखने को मिल सकता है, मतलब ये भी अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन इस पर भी आपको सेमी डिजिटल वाला ही मीटर कंसोल देखने को मिलेगा और उसके ही साथ इस वाले बुलेट के अंदर आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, तो वो है सामने के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक और पीछे के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक विद सिंगल चैनल ABS का भी सपोर्ट। और इसके अलावा पता है कुछ अभी ऐसा भी जा रहा है कि ये जो USB चार्जिंग पोर्ट वाला जो सिस्टम है ना, तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है न्यू जनरेशन वाले बुलेट 350 के अंदर। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।